अगर आपके कूलर की हवा ठंडी नहीं आ रही तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते तो आपका जो कूलर है वो बिल्कुल एसी जैसी ठंडी हवा देगा। इस वीडियो में मैं आपको सारे पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने कूलर की जो हवा है उसको बिल्कुल ठंडा कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जैसा बताता हूँ बिल्कुल वैसा करना है। सबसे पहले आपके पास जो कूलर है उसको आपको जो भी यहाँ पे आपको स्विच दिए हुए हैं उन सभी को यहाँ पे सबसे पहले ऑफ कर लेना है। यहाँ पे ऑफ करने के बाद आपको ऊपर से जो मेन बटन से जहाँ पे आप पिन लगाते हैं वहाँ से आपको बटन को चालू कर लेना है और इन सभी बटन को यहाँ पे ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद कूलर के पीछे जो आपको जाली मिलती है उसको सबसे पहले खोल देना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे खोल देता हूँ और खोलने के बाद हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा जो कूलर है इसके अंदर जो पानी का पंप है वो काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो पीछे की नली है इसको मैं निकाल देता हूँ और इसके बाद केवल हमें कूलर का जो पंप है उसको चालू करना है। आपको मेन मोटर को चालू नहीं करना है, सबसे पहले आपको कूलर का जो पंप है उसको चालू करना है। हम यहाँ पे देखने वाले कि हमारा जो पंप है उसके अंदर से पानी चालू हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं केवल पंप को चालू करता हूँ और उसके बाद मैं कूलर के पीछे जाके यहाँ पे इसकी सभी नली है उन सभी को एक एक चेक करने वाला हूँ कि सभी के अंदर जो पानी है वो सही आ रहा है या नहीं। तो हम एक एक को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको भी इस प्रकार से चेक करना है। यदि दोस्तों आप इस प्रकार से चेक कर लेते हैं और यदि आपका जो पानी वो कहीं कहीं नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है कि इन एक एक नली को खोल के यहाँ पे आपको सबसे पहले आगे जो नॉक दिया हुआ है इसको साफ कर लेना है और इसके बाद कूलर के जो नीचे वाली नली है उन सभी को आपको एक एक खोल के चेक करना है कि उसके अंदर सही से पानी सप्लाई हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आपको चेक करना होता है। इसी प्रकार से आपके पास कुछ और भी कूलर हो सकते हैं, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है तो ऐसा कूलर है तो आपको ऊपर से खोल के यहाँ पे पंप को चालू करके चेक करना है कि पानी सही से ऊपर जा रहा है या नहीं। यदि पानी सही से नहीं जा रहा तो आप मेन मोटर को यहाँ पे निकाल के इसकी जो जाली है उसको साफ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा फ्लोरेट जम जाता है जिससे कि पानी की क्षमता कम हो जाती है। यदि पानी की क्षमता कम है तो आप पंप को चेंज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको मेन जाली को देखना है कि ये जो जाली है इसके अंदर जो छेद है उसके अंदर कचरा तो नहीं आया। तो यदि आप इसको देख लेते हैं और इसके अंदर कचरा हो तो यहाँ पे आपके पास कोई भी चेस्टर है उससे आपको साफ कर लेना है, इसके जो पॉइंट है उसको साफ कर लेना है। अब यदि आप इनको भी साफ कर लेते हैं तो उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो कूलर उसकी घास कैसी है। आपकी जो घास है वो ज़्यादा मोटी हो चुकी है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ कचरा भर गया है, फ्लोराइड भर गया है, तो आपको क्या करना है कि इसकी जो घास है उसको भी चेंज कर लेना है। मार्केट से आपको पतली घास लानी है, जितनी पतली घास होगी उतनी ठंडी हवा देगी, उतनी जो हवा है वो उसके अंदर पास होती है जिससे कि आपको ठंडी हवा मिलती है। अब लास्ट में ये पॉइंट बताना चाहूँगा कि आप जब भी कूलर को चालू करते तो आपको क्या करना है कि इसका जो पीछे वाला भाग है हमेशा आपको दरवाजे की साइड रखना है जिससे कि बाहर की जो हवा है वो आपको मिले। जितनी हवा डायरेक्ट बाहर से आएगी उतनी हवा ताजी भी आती है और फ्रेश हवा भी आती है जिससे कि आपका जो रूम है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।